तो हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रीमियर प्रो के बारे में। प्रीमियर प्रो में आज हम सीखने वाले हैं ड्रीमी ग्लो इफेक्ट के बारे में। दोस्तों, इस इफेक्ट का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल फिल्मों में किया जाता है, यानी किसी भी वीडियो को सिनेमेटिक लुक्स देने के लिए ड्रीमी ग्लो इफेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। आप भी अपने वीडियो में ड्रीमी ग्लो इफेक्ट दे सकते हैं, काफ़ी आसान तरीका है। दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों सब्सक्राइब करने से हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो इसके लिए हमें प्रीमियर प्रो एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए प्रोजेक्ट यूनिट में डबल क्लिक करना है, वीडियो को ऐड करना है जिस वीडियो को हमें ड्रीमी ग्लो इफेक्ट देना है। तो चलिए मैं इस वीडियो को यहाँ पर ओपन करता हूँ। यहाँ पर वीडियो को ऐड करने के बाद वीडियो को टाइमलाइन पे लाना है। वीडियो को टाइमलाइन पे लाने के बाद यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ, कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसको हमें ड्रीमी ग्लो इफेक्ट देना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये जो वीडियो है इसको अल दबा के एक डुप्लीकेट लेयर बनाना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दो वीडियो बन चुका है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्लिक करके इफेक्ट में जाना है, यहाँ पर दो इफेक्ट सर्च करना है। सबसे पहले है लुमा की, इस वाले इफेक्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, पहली वाले वीडियो को ऐड करना है यानी पहले लेयर पे सिलेक्ट करना है। फिर दूसरा इफेक्ट सर्च करना है जिसका नाम है GAU, गोशियन ब्लर, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा इफेक्ट सर्च करना है ये वाला, इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, पहली वाली लेयर पे ऐड करना है। फिर एडिटिंग में यहाँ पर देखिए इफेक्ट कंट्रोल में यहाँ पर दोनों इफेक्ट आ जाएंगे, यहाँ पर देखिए ग्लोशियन ब्लर, लुमा की। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए लुमा की में यहाँ पर एक ऑप्शन है त्रिशूल का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 100% है, यहाँ पर हमें क्या करना है 30% कर देना है यानी 30% कर देना है। फिर यहाँ पर देखिए गोशियन ब्लर है, यहाँ पर जो ब्लरनेस है यहाँ पर हमें कर देना है 40%। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान में देखिए ये जो मैंने किया है 30% 40%, ये मैंने मेरे वीडियो के हिसाब से किया है, आपको आगे पीछे करना है थोड़ा, ठीक है, यानी आपके वीडियो के हिसाब से, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ 40% है इसलिए आपको 40% नहीं करना है, आपको यहाँ पर परसेंटेज को कम ज़्यादा करके चेक करना है, ठीक है। पर दोस्तों इसमें ड्रीमी इफेक्ट अप्लाई नहीं हुआ है तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ओपेसिटी वाला ऑप्शन है, यहाँ पर ब्लेंडिंग मोड लिखा है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है ब्लेंडिंग मोड को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर हमें स्क्रीन वाले मोड को सिलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पर स्क्रीन वाले मोड को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर देखिए हमारा जो वीडियो है वो बन जाएगा ड्रीमी ग्लो इफेक्ट। यहाँ पर देखिए मैं स्क्रीन वाले इफेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर देखिए हमारे वीडियो में एक इफेक्ट आ चुका है, ग्लो इफेक्ट आ चुका है, ड्रीमी ग्लो इफेक्ट आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए हमारा जो वीडियो है कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, यानी हमारे वीडियो में ग्लो इफेक्ट आ चुका है। अब मैं यहाँ पर आफ्टर और बिफोर दिखाता हूँ जिससे कि आपको पता चलेगा। यहाँ पर देखिए हमारा जो पहले वीडियो था नॉर्मल वीडियो वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा था, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा था। जब हमने इसमें ड्रीमी ग्लो इफेक्ट डाला तो यही वीडियो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने वीडियो में ड्रीमी ग्लो इफेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं और अपने वीडियो को सिनेमेटिक लुक्स दे सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों सब्सक्राइब करने से हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे।